तो सचिन के हाथ में चोट लगी है। इससे पहले सचिन ने टिप्स दिए थे कि आखिर एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, आइए आपको सुनाते हैं। I would start at 7:30 in the morning and finish by 7:30 in the evening. And eventually my coach had to sort of, you know, pack my kit bag and send me off because said it's too dark to play cricket now and we all want to go home. So my passion was such and it's still alive. Cricket should be in your heart first. And then as you mature, you grow up, it slowly finds its way to your brain and you learn how to score runs and how to bowl overs, how to bowl spells. It's your nature, the person that you are. So that stays with you till your last breath. Okay, so try and be a nice person first. Then you want to become a cricketer, a lawyer, a doctor, you want to play hockey, whatever. Then the rest of the things follow. But if you are a nice person, everyone will like you. तो सचिन ने टिप्स दिए कि अगर आपको बहुत अच्छा इंसान बनना है तो क्या करना चाहिए, अगर बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना है तो क्या करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए शताब्दी, और यही बात जो है सचिन को दूसरे क्रिकेटरों से अलग बनाती है। जी बिल्कुल, आप कभी भी देखिए उनके किसी भी मैच को उठा के देख लीजिए करुण, एक चीज़ जो उन्हें अलग बनाती है वो उनका टेम्परमेंट, बहुत ही कंट्रोल्ड रहते हैं। मैंने कभी नहीं देखा एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो शब्द है वो बहुत ही ज़्यादा मैंने देखा है सचिन के अंदर, वही उन्हें अलग बनाता है, उनके चेहरे पे झलकती है वो सीरियसनेस, वो परफेक्शन। बिल्कुल, परफेक्शन की बात करते हैं और मेहनत, इस मुकाम तक पहुंचने के बाद भी वो लगातार मेहनत करते रहते हैं और ये भी कह रहे थे कि जब तक मुझे रोका नहीं जाता मैं रुकता नहीं, लगातार चलते जाता हूं, और कुछ ऐसी नसीहत दूसरों को भी देखते हुए। चलिए कल बात कर लेते हैं, कल होने वाले पहले